हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवा के मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। रखो कराची के बहन भाइयों, एक या दो अपराध इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अपराध इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो, अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई दो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जनरलों रिटायर अपने हदूद में रहो। काम की हड्डियों से गोश्त तक इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभी